एंटर करते के साथ में सामने वैष्णो देवी माता का मंदिर पड़ता है। देन उसके बाद भैया हमें भी ना जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से, अभी तो हम पहुँचे ही नहीं है जिस हिसाब से बता रहे हैं ना, तो भाई यहाँ से जल्दी जल्दी दर्शन। थे हम इस प्रॉपर्टी पर, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो रोहित भाई के चाचा की प्रॉपर्टी है, रिजॉर्ट है यहाँ पर इन्हीं के घर के पास में, हम यहीं पर रुके थे। और भैया कल हमने जो जो भी हमने किया वो आपको व्लॉग में दिखाया था, अगर जैसे कि हमने रात यहाँ पर एक वाटरफॉल है वो आपको दिखाया, ये खड़ी अपनी दोनों की दोनों गाड़ियाँ नई जो हमने अभी कुछ दिन पहले भैया ने ली थी गाड़ी वो वाली है, और ये रोहित भाई की गाड़ी है, इसको हम अभी ड्राइव करने वाले हैं, अभी हम लेंगे मौज। जगह कौन सी है, मैं तो नाम भूल गया इसका, रोहित पहाड़ी ग्राम, कौन सा अमोला पमोला धमोला कमोला, रोहित पहाड़ी निवास स्थान। ओ माय गॉड, भैया करते करते ना सुबह के बज चुके हैं 10 और अब हम निकल रहे हैं कैची धाम मंदिर के लिए। नैनीताल हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन पहुंचने से पहले ना एक्चुअली मैं गाड़ी में बैठे हुए पीछे फ़ोन चला रहा था रोहित भाई का, तो उससे ना माहौल बदल गया है, मन ऐसा हो गया जैसे उल्टी सी आने वाली, जिस वजह से हम यहाँ रुक गए, गाड़ी साइड में लगा रखी है, फिलहाल थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, जब थोड़ा मन ठीक हो जाएगा तो यहाँ से निकलेंगे, वरना यार यहीं पर ना उल्टियाँ पुल्टियाँ हो जाएँ क्या फ़ायदा, फिर कैंची धाम में भी अच्छे से हम मन ना लगा पाए अपना। ये क्या बोलना चाहोगे, रिलैक्स हो उसके बाद चलेंगे, हाँ चिल करो चिल, एक आदमी देखो, और ये है ना कहानी, ये जो कहानी स्टार्ट हुई है वो इस आदमी की वजह से हुई है। लव जरा हॉटस्पॉट कनेक्ट कर दियो, कनेक्ट कर दियो, जरा कनेक्ट कर दियो भाई। बाकी आप यहाँ के ना नज़ारे देखो यार, सुबह सुबह इतना बेहतरीन लैंडस्केप होता है। ये बजून गांव है, यहाँ से नैनीताल का पैदल ट्रैक है, यहाँ से क्या कहते हैं पंगूट के पैदल ट्रैक है, यहाँ से डायरेक्ट कोटा का जिम कॉर्बेट का ट्रैक है पूरा, मतलब यहाँ से काफी सारे ट्रैक होते हैं, बीच में भालू पड़ते हैं, भालू वालू सब आते होंगे। मैं नैनीताल 2 किलोमीटर है यहाँ से, और भवाली 14 किलोमीटर, हनुमानगढ़ी भी है यहाँ। ये आ गए भैया हम नैनीताल बस अड्डे पर, और ये वाला रास्ता इधर दिख रहा होगा, सामने लेक है, सामने लेक है, और ये भवाली की तरफ रोड जाती है जो कैची धाम जाएगी, इसी रोड पर अभी हम आगे जा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर ना लोग अपने अपने फोटो खिंचवाते हैं रुक करके, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, आई लव नैनीताल, व्यू पॉइंट है यहाँ से, क्या दिखता है रोहित भाई, यहाँ से पूरा हल्द्वानी। तो भैया फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैची धाम मंदिर, और कैची धाम मंदिर पर आप देख रहे हो मेरे पीछे ये पार्किंग है, और पार्किंग भाई साहब फुल हुई पड़ी है, रास्ते में जाम लगे पड़े हैं, आज बहुत ज्यादा रश है क्योंकि ना साल का लास्ट मंगलवार है, और जितने भी लोग नैनीताल वगैरह जो भी घूमने के लिए आ रहे हैं वो कैची धाम तो ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे, इसलिए ना इतना यहाँ पर रश है और भीड़ लगी पड़ी है। देखो पार्किंग कितनी, कम से कम ज्यादा नहीं तो 500 से 700 गाड़ियाँ तो होंगी। तो ये लो भैया फाइनली हम पहुंच गए कैची धाम मंदिर, और बाबा के दर्शन अब हम करेंगे, आप भी फिलहाल ना यहाँ से आप बाबा के दर्शन कर सकते हो, और भैया तभी के तभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख देना जय हो कैची धाम की, अगर आप भी आना चाह रहे हो और आपका मन है या कुछ आप मांगना चाहते हो तो हो सकता है आपकी अर्जी मेरे थ्रू लग जाए, तो इसीलिए आप कमेंट में लिख दीजिए जय कैची धाम जय हनुमान। चलो भैया चलते हैं मंदिर के अंदर ना, अभी रोहित भाई और अपने जो भैया है ना वो लगा करके आ गए हैं गाड़ी पार्किंग में, और ये रहा मेन गेट, मेन गेट से करेंगे एंट्री और चलते हैं अब नीचे, करते हैं दर्शन और देते हैं मन को थोड़ी सी शांति। तो भैया
जो मंदिर के बराबर से ना एक नदी की गुजरती है, जो आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा, ये वही नदी है। और इस नदी को का नाम क्या है वो बताएंगे, ये नाम क्या है इसका, नदी का क्या बताया नाम? शिप्रा नदी। शिप्रा नदी है बता रहे। ये हिंदुस्तान की सबसे लंबी रिवर में से एक है। हिंदुस्तान की सबसे लंबी रिवर। अच्छा, सीधे से बता नहीं रहा हूँ विक्की। बिक्की भाई मजाक समझ रहे हैं लेकिन सच्चाई बता रहे हैं भाई। तो भाई लोग अब मैं आपको कराता हूँ मंदिर के अंदर का टूर। मंदिर के अंदर सबसे पहले जब हम एंटर करते ना, मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है भाई। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ से मंदिर में एंटर करते हैं। मंदिर में एंटर करते के साथ में सामने वैष्णो देवी माता का मंदिर पड़ता है। देन उसके बाद में आप थोड़ा सा चलोगे, जैसे ही घूमोगे फिर आपको दिखाई देंगे महादेव जी का मंदिर। देन उसके बाद में हनुमान जी का मंदिर है। फिर आप आगे जाओगे तो सामने आपको व्हाइट वाला जो दिख रहा होंगे, जो व्हाइट कलर में ये वाला दिख रहे होंगे, ये मेन मंदिर है बाबा जी का, जो कि नीम करौली बाबा जी हैं उनका मंदिर है। देन उसके बाद में आप घूम करके फिर जाएंगे, फिर जो नीम करौली बाबा जी के साथ में माता जी थी उनका मंदिर है। देन उसके बाद में जहाँ बाबा बैठा करते थे, चौकी है उनकी, वो चौकी बनाई हुई है। और फिर आ जाता है भैया शेरावाली का मंदिर। उसके बाद में हम निकलते हुए आते हैं, फिर मिलता है बहुत बढ़िया प्रसाद। प्रसाद क्या होता है, उसमें चने वगैरह होते हैं। प्रसाद लेने के बाद में आप अंदर आ सकते हो। तो अंदर ना भैया कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, जिस वजह से मैंने आपको यहाँ से दिखाया है। अंदर कैमरा आप यूज़ नहीं कर सकते, और अगर कोई गलती से यूज़ भी कर रहा है ना, या जानबूझ के कर रहा है, तो उसका फ़ोन या कैमरा छीन लिया जाता है, जिस वजह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। और अभी हम कुछ खाना वगैरह खाएंगे। खाना वगैरह खाने के बाद में यहाँ से निकलेंगे। अब मैं आपको आगे की अपडेट खाना खाने के बाद दूंगा, क्योंकि हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। अभी तो विचार जो बन रहा है वो सोच रहे हैं हम कहीं स्नो में जाएं। चलो गाइस फटाफट खाते हैं अपने भैया कढ़ी चावल। यहाँ राजमा चावल, कढ़ी चावल वगैरह सब कुछ मिलते हैं, लेकिन हमें जो राजमा चावल इसलिए नहीं खाना क्योंकि वो गैस वगैरह बना देगा। और इसके साथ में ना एक चटनी होती है यहाँ की, पहाड़ी स्पेशल चटनी। किस चीज़ की चटनी होती है भैया? दाल की और भांग की। भटकी दाल की, भांग की मैं नहीं खाऊंगा, पीछे रखो तुम, दिमाग घुमा देगी मेरा। वो वाली नहीं है, फिर खा लो। तो भाई जैसा कि आपको बताया था कि खाना खाने के बाद में बताएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं सीधा यहाँ से मुक्तेश्वर महादेव। महादेव वो है, मुक्तेश्वर धाम भी बोलते हैं, मुक्तेश्वर महादेव बोलते हैं। वैसे वो कुमाऊं का एक ऐसा पर्वत है जहाँ पर लेडीज प्रेग्नेंट होने के लिए आती है। यहाँ ना जाने से पहले ना, तो यहाँ पर ना लगभग 5 किलोमीटर पहले, 5 से 10 किलोमीटर पहले ना एक घना जंगल पड़ता है, वहाँ पे एंट्री करानी पड़ती है। और यहाँ पर एक चेक पोस्ट है। ये चेक पोस्ट इसलिए है ताकि ना इसमें ना बहुत, मतलब बहुत जानवर रहते हैं, तो कुछ अनहोनी ना हो जाए, या कौन बंदा इसके अंदर गया, कौन आ रहा है, इन सब की इन्हें डिटेल रखनी पड़ती है। कल को कोई बंदा वहाँ तक ना पहुँचे या आगे कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसके लिए ना यहाँ पर सारी की सारी डिटेल देनी पड़ती है, अपनी आईडी देनी पड़ती है। आईडी देने के बाद में एंट्री वगैरह करते हैं और फिर आगे जाने देते हैं। आपने हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दी है, ओली में अभी बर्फ नहीं गिरी है। किसने बोला देने को? अरे आदत खराब है ना इनकी, आदत खराब है, हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। अगर आप जा रहे हो तो भैया सोच समझ के जाना, अभी इतनी ज्यादा स्नो नहीं है वहाँ। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए भैया मुक्तेश्वर महादेव। और इस जगह का नाम भी मुक्तेश्वर ही है, क्योंकि देखो आप सामने देख सकते हो ब्रांच, यहाँ पर SBI की ब्रांच है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ मुक्तेश्वर ब्रांच। और भैया यहाँ इसका नाम जो पड़ा हुआ है वो इस मंदिर के ऊपर ही पड़ा हुआ है, महादेव जी के मंदिर के ऊपर ही ये नाम पड़ा है इस गाँव का। और ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर की जो हिस्ट्री है वो कहते हैं कि 1500 साल पुराना मंदिर है। और यहाँ की एक लोकल्स का लोकल्स के अनुसार यहाँ की एक मान्यता और है। यहाँ एक जगह है जहाँ पर एक पत्थर के अंदर छेद है, उसके बीच से अगर लेडीज़ें निकलती हैं तो जिन लेडीज़ों के ना बच्चे वगैरह नहीं होते, पत्थर के बीच से अगर आप निकलते हो तो वो संभव हो जाता है। अब कितना सच्चाई है वह भी आपको आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, और मंदिर अंदर से कैसा है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो भैया यहाँ पर ना एक पोस्ट ऑफिस भी है, और पोस्ट ऑफिस ये कुमाऊं का कुछ बता रहे हैं रोहित भाई, उनसे पूछेंगे क्या सीन है यहाँ का, है ना? तो चलते हाँ जी, क्या बता रहे थे कुमाऊं का? क्या
ओहो ऐसा ये बोल रहे हैं, मुझे इनकी बातों में बिल्कुल भी जरा भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ये आदमी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। मंदिर के अंदर हमने एंट्री कर ली सबसे पहले। भैया मंदिर के अंदर तो हम आ गए, लेकिन मंदिर के अंदर आने के बाद में हमें पता चला है जो कि हमसे मिस्टेक हो चुकी है। हमने आपको 1500 साल पुराना मंदिर था ये पता चला था, लेकिन नहीं, यहाँ पहुंचने के बाद में पता चला है 5330 साल पुराना मंदिर है। और आगे की कहानी आगे बताएंगे। बाघ आ रहे? हाँ बाघ होता है ना, बाघ बाघ काटने की चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो में हुआ है क्या? हाँ बहुत सारे गांव में, बहुत सारे नीचे तो आप ही बढ़ा के जा रहे हो भाई साहब यहाँ पे ना आजकल। तो भैया हमें भी ना जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से, अभी तो हम पहुँचे ही नहीं है जिस हिसाब से बता रहे हैं ना, तो भाई यहाँ से जल्दी जल्दी दर्शन करके निकलना पड़ेगा, वरना पता नहीं कब कहाँ से कौन सा जानवर आ जाए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, आपने देखा होगा रास्ता कितना, मतलब जंगल कितना घना था, तो उसी वजह से यहाँ पर ना जानवर आते जाते रहते होंगे। हर हर महादेव। देखो ना कितनी मन्नतों के लिए ना ये चुनरियाँ बंधी हुई हैं, सारे में चुनरियाँ बंध रही हैं। इससे ना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना लोग मन्नत मांगते होंगे, कोई ना कोई चुनरियाँ बांधी हुई हैं। और मंदिर पीछे की साइड से कुछ दिखता है भाई, और यहाँ से ना भाई सारे के सारे हिमालयन सीरीज दिखती हैं। पीक देखते हैं, सनसेट देखो कैसा हो रहा है भाई। ओहो तो भैया यहाँ पर ना आपको अगर आप आ रहे हैं तो खाने पीने का सारा प्रबंध मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ना स्टॉल वगैरह हैं खाने के लिए, चाय पकौड़ी नाश्ता सब कुछ आप कर सकते हो। और ये जगह कौन सी है, मतलब कहाँ पड़ती है, कितनी दूर पड़ती है, तो भैया आपको आना पड़ेगा पहले नैनीताल, नैनीताल से फिर आपको आना पड़ेगा मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर। तो भैया इतने घूम लिए आज, इतने घूम लिए और इतनी सारी जगहें आपको दिखा दी है, जिस वजह से ना हमें रात हो गई है यहीं पर। अब यहाँ ना देखते हैं कि रहने की क्या क्या व्यवस्था है, यहाँ पर हमें कोई होटल वगैरह मिलता है या नहीं मिलता है, या कोई कैंप मिलेगा क्या मिलेगा, और कितने रुपए का मिलेगा, कितनी दूर पे मिलेगा, यहीं आसपास में मिल जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है के सॉल्व। तो भैया जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर नीचे आने के बाद में एक मार्केट है, मार्केट में हम देखने के लिए आए हैं रूम वगैरह। रूम किधर है, कहाँ पर है, कितने के हैं, वो भी देख रहे हैं, जो अच्छा लगेगा रूम वही लेंगे। तो फिलहाल अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर गए हैं हमारे बिक्की भाई, गए हैं ऊपर रूम देखने के लिए, देखते हैं रूम कैसे कैसे हैं और कितने कितने प्राइस के हैं। एक रूम तो भैया ये वाला दिखाया ना, देखो ये रूम है। शीशा भी है भाई, देखते प्राइस देखते कितने की।